वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे पूरे करंट अफेयर्स की क्लास में, पूरे मई महीने का निचोड़ आपके सामने पेश होने वाला है। और आपको पता है क्योंकि डेली मेरी सुबह इंडिया करंट की क्लास, और उसके बाद में संडे के दिन आपको वीकली मिलता है, और उसके बाद में डेली लाइव क्लास में मेरी यस्टरडे रिविज़न आपको मिलता है। तो आज हम चर्चा करेंगे पूरे मई महीने का ताबड़तोड़ रिवीजन आपके सामने पेश होने वाला है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। वीडियो पूरा आराम से ध्यान से अंत तक पूरा देखना, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा ही ताबड़तोड़ रिवीजन यहाँ पे और पूरा निचोड़ आपके सामने पेश होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया जा चुका है BS राजू को। तो ताबड़तोड़ हमारा रिवीजन फटाफट चलेगा, क्योंकि 20 या 25 मिनट में हमें टॉप 100 क्वेश्चनों का रिवीजन करना है। तो थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? BS राजू को। नेक्स्ट देखो, हाल में मजदूर दिवस कब मनाया गया है? तो मजदूर दिवस मनाया गया है 1 मई को। कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बना है? हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तो साथ साथ मुझे लाइव कमेंट बॉक्स में आपको जवाब भी देना है, और अंत में मुझे बताना भी आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी मेरे डेली सुबह इंडिया करंट की क्लास में लाइव जुड़े हैं तो उनका क्वेश्चन एक भी गलत है नहीं होना चाहिए। अगला देखो, हाल ही में ABPMGAY के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है जम्मू कश्मीर। कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर देगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखो, हाल ही में दूसरी बार NCSC के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? दूसरी बार NCSC के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं विजय सांपला। कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 विजय सांपला। नेक्स्ट देखो, हाल ही में PV सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो PV सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता है? ऑप्शन नंबर 2 कांस्य पदक। नेक्स्ट देखो, हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया है 1 मई को। कब मनाया गया है? 1 मई को ही मजदूर दिवस मनाया जाता है, और 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया है? तो भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है विनय मोहन क्वात्रा ने। किसने? ऑप्शन नंबर 3 विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट देखो, हाल में किस देश के लैंडस्केप गार्डन CTO बर्ल्स मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये किस देश में है? ये है ब्राज़ील में, और इसको क्या अभी ब्राज़ील का ये है लैंडस्केप गार्डन CTO, और इसको क्या है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की शुरुआत की है? तो सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की शुरुआत की है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखो, हाल में इमैनुएल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? हाल में इमैनुएल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के। किसके चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में कौन सी राज्य सरकार नीरज चोपड़ा के गृह नगर में स्टेडियम बनाएगी? कौन सी राज्य सरकार नीरज चोपड़ा के गृह नगर में स्टेडियम बनाएगी? तो ये बनाएगी हरियाणा की राज्य सरकार। तो नीरज चोपड़ा आपको अच्छी तरह से पता ही है, और इनके ही गृह नगर में स्टेडियम बनाएगी। हाल ही में 7वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? 7वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल ने। किसने जीता है? केरल ने जीता है। और पूरा वीडियो आप आराम से देखना, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से इंडिया करंट का बाहर नहीं जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में PM मोदी के सलाहकार कौन बने हैं? तो हाल ही में PM मोदी के सलाहकार बने हैं तरुण कपूर। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा,
तरुण कपूर है जो पीएम मोदी के सलाहकार बने हैं। हाल में 35वां स्पेस लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 35वां स्पेस लीग का खिताब जीता है किसने, ध्यान रखना, रियल मैड्रिड ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर दिया, रियल मैड्रिड ने 35वां स्पेस लीग का खिताब जीता है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? ये छत्तीसगढ़ ने। किसने की है? ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ ने मितान योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? ये किया है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 मनाया गया है 3 मई को। कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 3 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में आयुष्मान भारत दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो आयुष्मान भारत दिवस 2022 मनाया गया है, कब है? 30 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस है 2022 मनाया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल में 5 जुलाई को एंडी जेसी किस कंपनी के सीईओ बनेंगे? तो 5 जुलाई को एंडी जेसी किस कंपनी के सीईओ बनेंगे? ये बनेंगे अमेजन कंपनी के। किस कंपनी के? अमेजन कंपनी के। नेक्स्ट देखो, हाल में 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो अभी 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है रोनी ओ सुलिवन ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक है राइट आंसर, किसने? रोनी ओ सुलिवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 भारत कौन से स्थान पर है? तो अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? भारत है 150वें स्थान पे। तो ध्यान रखना, 2022 में तो ये 150वें स्थान पे है, 2021 में ये 142वें स्थान पे था। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण किसने जीता है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण जीता है किसने? ये जीता है जैन यूनिवर्सिटी ने। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में जियो सावन के सीईओ कौन बने हैं? तो वर्तमान में जियो सावन के सीईओ कौन बन चुके हैं? वो बन चुके हैं सहस मल्होत्रा। कौन बन चुके हैं? सहस मल्होत्रा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ड कर दिया गया है? तो अभी किस राज्य में? राजस्थान के बाड़मेर जिले में पड़ता है ये। कहाँ पे? राजस्थान के बाड़मेर जिले में मियाँ का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महेश नगर होल्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया है RPF ने। किसने चलाया है? ऑप्शन नंबर दो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, RPF ने ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य के द्वारा जीवला नाम की एक ऋण योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य के द्वारा जीवला नाम की एक ऋण योजना शुरू की गई है? ये की है किसने? महाराष्ट्र ने। तो ये जीवला नामक जो योजना है ये है जेल में कैदियों के लिए इन्होंने शुरू की है। किस राज्य ने? महाराष्ट्र राज्य ने। नेक्स्ट देखो, कौन सा राज्य भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाएगा? कौन सा राज्य भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाएगा? ये बनाएगा उड़ीसा। कौन सा बनाएगा? ऑप्शन नंबर एक, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस संगठन ने दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है? तो दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है किसने? तो ये बनाई है इसरो ने। किसने बनाई है? ऑप्शन नंबर सी, इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रॉनिक पोत का निर्माण कौन सा शिपयार्ड करेगा? तो ये कौन सा शिपयार्ड करेगा? ये करेगा कोचिन शिपयार्ड। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कोचिन शिपयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? ऑप्शन नंबर एक, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये किया है हरियाणा की राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विश्व एथलेटिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में
विश्व एथलेटिक्स दिवस 2022 मनाया गया है 7 मई को। कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी 7 मई। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में रेलटेल और WHO ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? हाल ही में रेलटेल और WHO ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? ये किया है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर किया है? विशाखापट्टनम में किया है। तो सारे विद्यार्थी लाइक और शेयर करते रहना साथ साथ वीडियो को, और मुझे लाइव में आपको साथ साथ जवाब भी देना है, क्योंकि हमारा ताबड़तोड़ रिवीजन चल रहा है। यहाँ पर कोई आपको समझाने वाली कोई बात नहीं है, आपको सुबह मेरी तथ्य के साथ पूरी डिटेल के साथ मेरी क्लास आती है, और आज यहाँ भी आपको ताबड़तोड़ रिवीजन की क्लास मेरी चल रही है। हाल में फ्रांस में आयोजित कॉन्स मार्चे डू फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से कौन सा देश सम्मानित होगा? तो ये होगा अपना देश भारत। कौन सा होगा? अपना देश भारत है। ये फ्रांस में आयोजित हुई थी एक कॉन्स मार्चे डू फिल्म, इसमें क्या है कंट्री ऑफ सम्मानित होगा? अपना देश भारत। नेक्स्ट देखो, कौन हाल में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और किस देश के मध्य आशय की एक संयुक्त घोषणा हुई है? तो हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और जर्मनी के बीच में क्या है? एक आशय की संयुक्त घोषणा हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, सिंथिया रोजेनबेको। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सिंथिया रोजेनबेको विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो भारतीय वायु महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है संजीव कपूर ने। किसने? ऑप्शन नंबर एक संजीव कपूर। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 2023 तक स्थगित कर दिए गए एशियन गेम्स 2022 किस देश में आयोजित होंगे? तो अभी 2023 में इसका आयोजन होना था एशियन गेम्स का, कहाँ किस में किस देश में आयोजन होना था? चीन देश में इसका आयोजन होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये इन पर रोक लगा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के गाँव को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी? किस राज्य के गाँव को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी? ये मिलेगी उत्तर प्रदेश के गाँव को। किस राज्य के? उत्तर प्रदेश के गाँव को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसने जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? तो जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में सीमा सड़क संगठन ने 7 मई को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सीमा सड़क संगठन ने क्या है 7 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा मनाया है? 62वां स्थापना दिवस है मनाया है। तो ध्यान रखना, सीमा संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई, और ये क्वेश्चन एक अब की बार है राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्वार परियोजना की शुरुआत की है? किस देश ने? तो ये की है, ध्यान रखना, भारत ने। किस देश ने की है? भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्वार परियोजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है? तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेस्टापेन ने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? तो मैड्रिड ओपन खिताब का खिताब किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज के द्वारा मैड्रिड ओपन का खिताब जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने? अविनाश सेबल ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में अभिनव देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाज से ये संबंधित है, और अभिनव देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक इसने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के साथ नाश्ता भी मिलेगा? भी किस राज्य के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी मिलेगा? तो ये किस राज्य में? तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सी सरकार मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना प्रदान करेगी? कौन सी सरकार मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना प्रदान करेगी? तो ये करेगी दिल्ली सरकार। कौन सी करेगी? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली सरकार। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव कौन बने हैं?
तो नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव बने हैं अल्केश कुमार। कौन बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर एक अल्केश कुमार है जो नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव है बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 योजना की शुरुआत की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 योजना शुरू की है? ये की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है। अगला देखो, किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया है? किस देश ने बनाया है? ये बनाया है वियतनाम ने, दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल है बनाया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है कब मनाया गया है? ये बनाया गया है 11 मई को। कब बनाया गया है? 11 मई को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो 100 बिलियन अमरीकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है रिलायंस। कौन सी बन चुकी है? रिलायंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति ने कितने सेना के जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो अभी हर राष्ट्रपति ने क्या है, सेना के जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। कितने को? 13 जवानों को। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस शहर में देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है? किस शहर में देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और इसमें पहला चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में 12वां AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो 12वां AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है तुर्की में, और ये खिताब भी किसने जीता? अभी तुर्की ने ये खिताब है जीता, तो इसमें एक नंबर पे भी तुर्की में ये आयोजन इसका किया गया, और तुर्की है जो इस देश में सबसे टीम में सबसे ऊपर है। तो ये क्वेश्चन आगे आएगा, तो आगे हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में तीरंदाजी एशियाई कप 2022 भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो तीरंदाजी एशियाई कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने जीते हैं 14 पदक। कितने जीते हैं? ऑप्शन नंबर एक 14 पदक। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? किस राज्य ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? ये की है हरियाणा ने। किस राज्य ने शुरू की है? हरियाणा राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे टॉप पर कौन है? तो एथलीटों की सूची में सबसे टॉप पर रहा है लियोनेल मेसी। कौन सा रहा है? ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, हाल में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में ईसा सिंह और सौरभ चौधरी मिश्र टीम पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण पदक। अगला देखो, कौन सी अभिनेत्री लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है? तो ये बन चुकी है दीपिका पादुकोण। कौन बन चुकी है? दीपिका पादुकोण है जो ब्रांड लुइस वुइटन की पहली भारतीय ये ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत के किस क्षेत्र में टोमेटो फ्लू का प्रकोप बढ़ गया है? तो अभी ये कोरोना की तरह ये एक बार वायरस है, और ये कहाँ पर बढ़ चुका है? दक्षिणी क्षेत्र में, यानी कि केरल राज्य में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इसको नाम क्या दिया? टोमेटो फ्लू का प्रकोप है, बढ़ चुका है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भौतिक विज्ञानी को टेम्पलेट पुरस्कार 2022 मिला है, यानी कि किस भौतिक विज्ञानी को टेम्पलेट पुरस्कार 2022 मिला है? ये मिला है फ्रैंक विलजेक को। किसको मिला है? ऑप्शन नंबर एक फ्रैंक विलजेक। नेक्स्ट देखो, हाल में थॉम्स कप टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो थॉम्स कप टाइटल का खिताब जीता है अपने देश भारत ने, भारत ने इंडोनेशिया को हरा दिया और थॉम्स कप टाइटल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? ये की है हरियाणा राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना कोचिंग सेंटर खोलेगी? तो गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना कोचिंग सेंटर खोलेगी, ये खोलेगी मणिपुर में। कहाँ पर खोलेगी? ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। अगला देखो, हाल ही में माणिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो माणिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? अभी त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं माणिक शाह। पहले कौन थे? विप्लव कुमार देव पहले मुख्यमंत्री थे। अगला देखो, किसने
दूसरे वैश्विक कोविड 19 वर्चुअल समिट में भाग लिया है। तो दूसरे वैश्विक कोविड 19 वर्चुअल समिट में भाग लिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स की कार दुर्घटना में मौत हुई, यह किस टीम के खिलाड़ी थे? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के, और ये पूछा गया अब की बार वो शेन वॉर्न वाला पूछा गया था भी वो किस देश के टीम के खिलाड़ी थे, तो ये ध्यान रखना अब की बार ये भी किस टीम के हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और शेन वॉर्न वाला राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। हाल में किसने मरुस्थलीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है? तो ये किसने किया है, ये किया है भूपेंद्र यादव ने, हमारे जलवायु और पर्यावरण मंत्री जो वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने COP15 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है। अगला देखो, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बनाया है एक तो राजीव रंजन और सिंती कांठा पटनायक को, इन दोनों को क्या है, रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश की अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है? तो ये किस देश की बनी है, ये बनी है केन्या की, और अभी अन्ना कबाले है जो दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ये नर्स है बन चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने गगनयान मिशन 2023 S2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है, ये किया है इसरो ने, किसने किया है, तो अभी इसरो के नए चेयरमैन कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ। अगला देखो, हाल में रामगढ़ विषधारी अभियान को भारत के कितवें बाघ अभियान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो कितवा किया गया है, 52वें अभियान में, राजस्थान का तो ये चौथा है और भारत का ये 52वां अभियान के रूप में इसको अधिसूचित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में इटालियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ओपन 2022 का खिताब जीता है किसने, ध्यान रखना नोवाक जोकोविच ने, किसने जीता है, ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच। हाल ही में किसने भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का अनावरण किया है? हाल ही में किसने भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का अनावरण किया है, ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में स्काई ब्रिज 721 किस देश में दुनिया का सबसे लंबा संस्पेशन ब्रिज खुला है? तो 721 खुला है चेक गणराज्य में, कहाँ पर खुला है, चेक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत किस देश को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन चुका है? तो भाई हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन चुका है? तो ये जर्मनी देश को पछाड़कर। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में विदेशी प्रेषण के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है? तो विदेशी प्रेषण के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है? तो वो है अपना देश भारत है, सबसे आगे टॉप पर चल रहा है। हाल ही में IPL इतिहास में किन दो खिलाड़ियों ने 20 ओवर की ओपनिंग पार्टनरशिप की है? तो एक तो की है क्विकन डी कॉक और एक KL राहुल, इन दोनों ने क्या है, पहली बार इतिहास में क्या है, इन दोनों ने 20 ओवर की साझेदारी की है स्टार्ट में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस रेलवे जोन ने नवदूत नाम से बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है? तो किसने किया है, ये किया है पश्चिमी मध्य रेलवे ने, किसने किया है, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी मध्य रेलवे ने, ये क्या है बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव है विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखो, किसने भारत निर्मित युद्धपोत INSS सूरत और INSS उदयगिरी लॉन्च किया है? यानी कि हाल ही में किसने इन युद्धपोतों के नाम किया है, एक तो सूरत है और उदयगिरी लॉन्च किया है, किसने किया है, ये किया है राजनाथ सिंह ने, किसने, ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह। अगला देखो, कौन सी कंपनी पतंजलि फूड बिजनेस को 690 करोड़ रुपये में खरीदेगी? तो कौन सी कंपनी खरीदेगी, ये खरीदेगी रुचि सोया, जो है पतंजलि फूड बिजनेस को 690 करोड़ रुपये में खरीदेगी। अगला देखो, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है, इसने जीता है स्वर्ण पदक, कौन सा जीता है, गोल्ड मेडल इसने जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक मिलनी योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक मिलनी योजना शुरू की है, ये की है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, उन्होंने लोक मिलनी योजना शुरू की है। अगला देखो, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी OTT मंच शुरू करेगा? तो ये कौन सा राज्य करेगा, ये करेगा केरल राज्य, ये भारत का पहला सरकारी OTT मंच शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश की ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो ये बनाई है चाइना देश ने, क्या है, अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है।
नेक्स्ट देखो, हाल ही में नेट जियो ने दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया है? तो नेट जियो ने कहाँ पर स्थापित किया है? माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। हाल ही में किसने एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है? तो एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट देखो, किस संगठन ने कलाम 100 रॉकेट का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो किस संगठन ने कलाम 100 रॉकेट का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एयरोस्पेस ने। किसने किया है? एयरोस्पेस ने किया है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, क्योंकि आपको पूरे महीने का ताबड़तोड़ रिवीजन यहाँ पे चल रहा है, फटाफट हमें रिवीजन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में लोह अयस्क के खनन और निर्यात को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है कर्नाटक राज्य में। क्या है? पहले रोक लगा दी गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोह अयस्क के खनन और निर्यात को मंजूरी दी गई है। हाल ही में किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है उड़ीसा ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर एक, उड़ीसा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? वो बने हैं विवेक कुमार। कौन बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारत और किस देश के बीच नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल का 4वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच में नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल का 4वां संस्करण शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत ये हाल में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 मनाया गया है 22 मई को। कब मनाया गया है? 22 मई को। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट गेम के बेस्ट कैंप पर चढ़ाई की है? तो 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया ने बेस्ट कैंप पर चढ़ाई की है। ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़ लेना। हाल ही में किस राज्य ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है किस राज्य ने? ये जीती है हरियाणा ने। किसने जीती है? ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। नेक्स्ट देखो, 2021-22 प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? तो 2021-22 प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है किसने? ये जीती है मैनचेस्टर सिटी ने। किसने? ऑप्शन नंबर सी, मैनचेस्टर सिटी। अगला देखो, हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं? तो ध्यान रखना, दिल्ली के नए उपराज्यपाल बन चुके हैं विनय कुमार। पहले कौन थे? अनिल बैजल। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब दिल्ली के नए उपराज्यपाल है विनय कुमार बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? तो किस राज्य में मनाया जाएगा? कर्नाटक के मैसूर शहर में। क्या है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन चुका है? अब ये ध्यान रखना, मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बना है बेल्जियम। लेकिन मंकी पॉक्स का पहला मामला आपसे पूछे तो वो कहाँ पर आया है? संयुक्त अरब अमीरात में। वो क्वेश्चन आगे आएगा, वह हम चर्चा करेंगे। हाल ही में आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं शिखर धवन। कौन बन चुके हैं? शिखर धवन। नेक्स्ट देखो, किस राज्य में सिरोही लीली महोत्सव 2022 का 4वां संस्करण शुरू हुआ है? तो सिरोही लीली महोत्सव का 2022 का 4वां संस्करण शुरू हुआ है मणिपुर में। कहाँ पर हुआ है? मणिपुर में इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखो, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रही है? तो विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर रही है। तो इसमें टोटल मैं 116 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो हम 106वें क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं। हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2020-22 के लिए किसे नामित किया गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है एक तो कृष्णन और विजय लक्ष्मी को। क्या है? 2022 के लिए इनको नामित किया गया है, 2021 को इनको मिला है और 2020 को इनको मिला है। तो इनको क्रम इनको आप अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट देखो, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के सबसे 100 प्रभावशाली लोगों में किसे नामित किया गया है? तो ध्यान रखना, करुणानंदी, गौतम अंडानी और खुर्रम परवेज, इन तीनों को इनमें तीन टॉप 100 लोगों में से इन तीनों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अपना
हाल ही में अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? तो वो बना है कोलकाता। ये क्या है? अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना है। हाल में किस देश को में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? ये देखो, ये क्वेश्चन आ चुका है ना, कहाँ पर आया है? संयुक्त अरब अमीरात में है। और क्वारंटाइन करने वाला पहला देश है बेल्जियम है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास पूर्व बंगो सागर में शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश में क्या है, ये अभी अभ्यास पूर्व बंगो सागर में यह शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत के किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में क्या है, ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम है शुरू हुआ है। भारत के किस राज्य में? उड़ीसा में। हाल ही में WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यात्रा और पर्यटन प्रतिष्ठात्मक सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 54वें स्थान पर, इसमें पहुँच चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराया है? तो ये भारत ने हराया है इंडोनेशिया को, हराया है इसमें एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है नरेंद्र बत्रा ने। किसने? नरेंद्र बत्रा ने। अगला देखो, भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन किया है किसने? नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब देखो आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल में 26 साल की अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है, किस राज्य की है? तो ये है हरियाणा की। किस राज्य की है? ये हरियाणा की। और इसने अभी 26 साल की अभिलाषा बराक क्या है, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। तो ये हमारा ये मई महीने का पूरा निचोड़। सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। PDF हमारी तैयार हो चुकी है इसकी, पूरे तथ्य के साथ, पूरी डिटेल के साथ, पूरे मई महीने की निचोड़ की। तो जो भी कल आपको PDF आपको तैयार है मिल जाएगी। तो कल आपको कोई भी विद्यार्थी PDF लेना चाहे, मेरा नंबर आपको, कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही है, उस नंबर पे आपको PDF इसकी मिल जाएगी पूरे तथ्य के साथ, पूरी डिटेल के साथ। तो हम चर्चा कर ली आज पूरे महीने की ताबड़तोड़ रिवीजन, फटाफट क्लास हमने रिवीजन कर लिया है ताबड़तोड़ रिवीजन। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।